नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ आलू के भाव। तो दोस्तों, आलू के भाव के ऊपर बात करेंगे आज। और कल का लाइव बहुत बढ़िया गया, बहुत अच्छी मात्रा में आप सभी लोग लाइव में जुड़ते हैं दोस्तों। तो आज मैं पूरे भारत की समस्त मंडियों के भाव लेकर आया हूँ दोस्तों। कुछ लोग ये कह रहे थे, मेरे सब्सक्राइबर जो बुजुर्ग हैं वो ये कह रहे हैं, शर्मा जी रात को स्पेशली उनका फोन आया। शर्मा जी ने धीरे धीरे बताया करो ना, भाव जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आते हैं। तो उनके लिए भी, उनका भी मेरे को सम्मान पहले रखना है दोस्तों। बाकी मैं बड़ा खुश होता हूँ कि इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर तरह का लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आज की तारीख में जो भी सारे YouTube चैनल हैं उनके जो भी आलू के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आपका चैनल, आपका एग्री बडी हदायत चैनल सबसे बढ़िया चल रहा है इस समय, सबसे ज़्यादा रेटिंग है इसकी। और अगर आप देखोगे तो, और गूगल पे भी अगर आप डालोगे तो तुरंत सबसे पहले आपका ही चैनल आएगा दोस्तों। और अगर आप YouTube पे भी अगर डालोगे ऑल इंडिया पोटैटो रिपोर्ट, तो सबसे पहले अपना ही चैनल आएगा दोस्तों। तो ये सब आप सभी लोगों का प्यार है, और हमको क्या चाहिए, क्योंकि हम लोग फर्जीफिकेशन नहीं करते हैं, जो भी चीज़ होती है आप लोगों को जेनुइन और सही बताते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा सा किसानों के लिए ज़्यादा पचते हैं, पर दो बहुत भाई स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं और खुद भी किसान हैं, ठीक है ना। तो हम तो भाई पचेंगे किसानों के लिए, ये तो हमारा बिल्कुल पूरा पूरा अधिकार है, और वो हम अपना इस पर हम एकदम डटे हुए रहते हैं, सही है ना। रिपोर्ट्स की बात करें दोस्तों, तो रिपोर्टें काफ़ी आ रही हैं। और हाँ, एक बीच में फिर जो ऊपर आई बटन में दोस्तों दिख रहा है आपको, चल रहा है, इस वीडियो को देख लो। ये अगर किसी के सुंडी वुंडी है मक्का वक्का में, तो ये आपके लिए यूज़फुल रहेगी वीडियो। और जिन्होंने अभी तक फेसबुक का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, वो फेसबुक का ग्रुप और पेज दोनों ज्वाइन कर लें। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों के लिए लिंक छोड़ दूंगा। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो रिपोर्टें आ रही हैं लोडिंग की, तो दोस्तों मैं जो लोग हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करूंगा, जो लोग रिपोर्टें दे रहे हैं, तो भाई वो अनुमानित क्या होता है उसमें। आप लोग कोई रिपोर्ट दे रहे हो तो उसकी फुल पुष्टि करके दो। अगर आपको अनुमान लग रहा है या कोई चीज़ है, तो इससे क्या होगा, लोग नहीं समझ पाएंगे अनुमानित है ये, लोग तो उसको एकदम सही मानेंगे, आप समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों में अनुमान नहीं चलता है, हम कभी भी अनुमानित कोई चीज़ नहीं बोलते हैं कि अनुमानित, कि ये रिपोर्ट दी अनुमानित। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करूँगा कि जो भी जानकारी हो एकदम सटीक और बढ़िया होनी चाहिए सभी के लिए। इतना ही मैं कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों बात कर लेते हैं मंडियों के भाव की। दोस्तों कहीं उछाल है, और बाकी मंडियाँ आज सोमवार है, माल रोका हुआ जाता है, बाकी मंडियाँ सब स्थिर है। और इसलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो खींचूंगा नहीं मैं, जल्दी जल्दी आप सभी लोगों को भाव बताऊंगा। और अब जल्दी ही आप सभी लोगों को मंडियों से भी लाइव दिखाऊंगा, जहाँ तक है मेरा दोस्तों व्यस्तता इतनी है, जा ही नहीं पा रहा हूँ, पर मैं जाऊँगा आप सभी लोगों के लिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, लखनऊ के भाव बताता हूँ सबसे पहले मैं लोकल मंडियों के। लखनऊ का चिप्स होना आज आलू बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक बिके हैं लखनऊ की मंडी में। और हल्की क्वालिटी का चिप्स होना वही 11 से लेकर 12 रुपये किलो तक बिका है। अभी मेरे पे कमेंट आ रहा था, तो मेरे को चिप्स होना का भाव बताना पड़ा कि शर्मा जी चिप्स होना का भाव बताइए। हाइब्रिड आलू दोस्तों, और ये ख्याति वगैरह जो भी आलू आते हैं 302 वगैरह, वो 11.5 से लेकर 12 रुपये किलो तक बिक रहे हैं बढ़िया आलू। और 37.97 दोस्तों 12 से लेकर 13 रुपये किलो तक एक्स्ट्रा सुपर बिक रहा है लखनऊ में। और हल्की क्वालिटी का 10 से लेकर 11 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। जोधपुर की बात करते हैं दोस्तों, तो जोधपुर में कोल्ड स्टोर का एक्स्ट्रा सुपर आलू 14 से लेकर 14.5 रुपये किलो तक बिका है आज। और नॉर्मल हल्की क्वालिटी का 12 से लेकर 13 रुपये किलो तक बिका है। चेन्नई की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो चेन्नई में आगरा का जो कोल्ड स्टोर का आलू है वो 19 से लेकर 20 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। और हल्की क्वालिटी का दोस्तों 18 से लेकर 19 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। और लोकल आलू 15 दिन लगभग चलेगा, अभी 10 दिन चलेगा, 10 दिन के बाद लोकल आलू खत्म हो जाएगा, फिर देखते हैं मंडी में कैसी डिमांड रहती है। बाकी दोस्तों सीधी सी बात, हम लोगों को तो टारगेट करके लोगों ने इसलिए कर दिया है कि वो लोग वो तो ये चाह रहे हैं कि मतलब ऐसे बिहेव हो रहा है इस समय कि मेरे को तो अलग से सब लोगों ने एक साइड कॉर्नर कर दिया, और कह रहे हैं कि अरे ये तो तेज़ी, ये तो सोच रहे हैं कि आलू 1000 रुपये कट्टा बिकेगा, 1500 रुपये कट्टा बिकेगा। भाई मैंने कौन से वीडियो में कही है कि आलू 1500 बिकेगा, 1000 रुपये कट्टा बिकेगा, कोई मुझे बता दे, शर्त लगाने को तैयार हूँ। मैंने हर किसान सब किसान भाइयों को एक बार ही मैंने सब लोगों को बताया है कि आलू अपना धीरे धीरे करके हर भाव में बेचते रहो। हम अलग तरह की रिपोर्टिंग करते हैं बिल्कुल, हम आप ये सोचो कि बिल्कुल मैं दो नामों में सफ़र कभी नहीं करवाता हूँ किसी को, समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि दोनों बातें ही बोल दी कि ये भी होगा ये भी होगा। अरे मतलब बात करो तो सीधी सीधी करो, हम तो ये कह रहे हैं हम तो किसान का फ़ायदा होना चाहिए, आलू महंगा बिकना चाहिए, सीधी सी बात। ये थोड़ी कह रहे हैं कि अरे 1000 बिकेगा कि फलाना बिकेगा कि इसमें क्या वो होगा, भाई लॉजिक सीधी सी बात, मंडियाँ तेज होंगी, डिमांड बनेगी, आलू महंगा बिकेगा, ठीक है। और हम तो सीधी सी बात ये है कि आलू किसान का महंगा बिकना चाहिए, उसको पैसा मिलना चाहिए। आज की तारीख में आलू मद्दा बिक रहा है कि तेज बिक रहा है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। 750-800 रुपये की सौदा हो रही है, ये सस्ता होता है, इसको सस्ता बोलते हैं। तो फिर 750-800 में किसानों को आलू बेचना चाहिए, बार बार तो कह रहा हूँ, कम से कम जिस पर 5000 कट्टे हैं उसको कम से कम 1000 कट्टे बेचने चाहिए। और भाई सीधी सी बात, अपना माल देख के सौदा होती है,
जरूरी नहीं है सबका ही 800 रुपये बिके, 650 ही बिक सकता है, 700 ही बिक सकता है, पर धीरे धीरे करके हर भाव में आलू बेचना चाहिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा है, भविष्य कोई नहीं दोस्तों बता सकता क्या रेट बिकेगा भविष्य में। करंट पे बात करो, अहमदाबाद की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अहमदाबाद में जो डंप का पुखराज आलू है वो बिक रहा है भैया 10 से लेकर 12.5 रुपये किलो तक, और बादशाह 15 से लेकर 17 रुपये किलो तक, और कोल्ड का पुखराज 14 से 15 रुपये किलो तक बिक रहा है, और बादशाह 16 से 17 रुपये किलो तक बिक रहा है। 50% डंप के आलू आ रहे हैं, 50% कोल्ड के आलू आ रहे हैं अहमदाबाद मंडी में। बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर में आज आलू डंप वाला 10 से लेकर 11 रुपये किलो तक बिका है बढ़िया आलू, और हल्की क्वालिटी का 8.5 से लेकर 9 रुपये किलो तक बिके हैं। बेंगलोर की बात कर लो तो आज 20,000 कट्टा आगरा का है दोस्तों बेंगलोर में, और कोल्ड स्टोर का जो हल्की क्वालिटी का आलू है 600 से 700 रुपये तक बिका है 50 किलो की तौल, और कोल्ड स्टोर का जो एक्स्ट्रा सुपर आलू है 750 से लेकर 800 रुपये तक बिका है, मतलब 50 किलो की तौल, ठीक है ठीक है। और दोस्तों नॉर्मल हल्की क्वालिटी के आलू की बात करें कि 650 से लेकर 700 रुपये तक बिके हैं 50 किलो की तौल कोल्ड वाला आगरा का। बात कर लेते हैं दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर मंडी की, तो 3797 कोल्ड स्टोर का आलू बढ़िया आलू ये बिका है लगभग 640 रुपये से लेके 670 रुपये तक 50 किलो के भाव, 3797 का दोस्तों हल्की क्वालिटी का, ये कोल्ड के आलू के भाव बता रहा हूँ दोस्तों, कम से कम आज 22 गाड़ी कोल्ड की है, 680 से लेके 690 रुपये तक बिक रहे हैं, और डंप का आलू जो 3797 है दोस्तों बढ़िया वो बिक रहा है 600 से 610 रुपये तक, चिप्स होना 700 से लेकर 725 रुपये तक बिक रहे हैं, और सूर्य आलू 800 से लेकर 825 रुपये तक बिक रहे हैं दिल्ली आज़ादपुर की मंडी में। बात करते हैं दोस्तों पंजाब के स्टोर की, तो पंजाब के स्टोर का आलू 900 से लेकर 950 रुपये तक बिक रहा है, लाल होगा शायद ही दिल्ली आज़ादपुर की मंडी में। बात करते हैं दोस्तों लास्ट में पूना मंडी की, तो पूना में आज 30 गाड़ियाँ लगभग, और एक्स्ट्रा सुपर आलू 17 से लेकर 18 रुपये किलो तक बिका है पूना दोस्तों, कल 19 रुपये किलो तक बिक गई थी क्योंकि शनिवार को मंडी बंद रहती है, संडे को खुलती है, और सुपर आलू बढ़िया 15 से लेकर 16 रुपये किलो तक बिक रहे हैं, और हल्की क्वालिटी का 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक बिक रहे हैं पूना की मंडी में, और इंदौर का 16 से लेकर 17 रुपये किलो तक, और गुजरात का 14 से लेकर 15 रुपये किलो तक। जो लोग व्यापारियों के साथ जुड़े हुए हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं व्यापारियों से, हालांकि मैं व्यापारियों का कोई दुश्मन नहीं हूँ, उन लोगों को जो मैं जो भाव बताता हूँ बिल्कुल पसंद नहीं आते, खासकर कुछ यूट्यूबर भी ऐसे हैं जो कहते हैं अरे साउथ की मंडियों से क्या मतलब है किसानों को, साउथ की मंडियों से मतलब नहीं होता, तो लास्ट ईयर आलू को शुरुआत से ही गड़बड़ कर देते ये लोग, जब किसान को पता रहा ना कि हाँ उस मंडी में ये रेट बिक रहा है, फिर तुम इस रेट क्यों खरीद रहे हो, मुझे मालूम है कहाँ के एरिया को किसको फ़ायदा हुआ है इन सब चीज़ों से, जो एरिया जो आगरा और हम खदौली में बैठे यहाँ के तो किसान बहुत आधुनिक है और बहुत ज़्यादा मतलब अपडेट रहते हैं, और जो हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन किसानों को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है इन सब रेटों से, और उन्हें पता रहता है कि क्या माहौल चल रहा है इस समय, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा सुपर मुंबई की बात करें तो कोल्ड का बढ़िया आलू 16 से लेकर 17 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी का 15 से लेकर 16 रुपये किलो तक बिक रहे हैं आज, एक लॉट 18 रुपये किलो भी बिका है दोस्तों मुंबई की मंडी में आज, और 3797 डंप का आलू 15 से 16 रुपये किलो तक, गर्म आलू खराब आलू हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो तक, और यूपी का 302 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक बिका है, और गुजरात का कोल्ड का 17 से लेकर 19 रुपये किलो तक बिका है मुंबई की मंडी में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना, बाकी दोस्तों आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपना आलू फॉलो वॉलो करके बेचते रहो, जरूरत के अनुसार बेचो, आपका आलू है आपका डिसीजन है, अपने हिसाब से काम करो, बाद में ये मत करो कि किसी के ऊपर, अब क्या कहूँ मैं इसमें, बाकी तो देखो क्या होता है। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन